अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं कोलकाता आया, कोलकाता में आज यहाँ से अपन थोड़ा घूमने जाएंगे बाहर। विक्टोरिया मेमोरियल बोल के प्लेस है, मैं ब्लॉग बताने वाला हूँ कोलकाता का, तो स्टे कनेक्टेड गाइस। तो ये देखो, यहाँ पर पूरे येलो टैक्सीज रहते, तो अपन भी एक टैक्सी ले लिए। तो चलो आ गए विक्टोरिया मेमोरियल। हम लोग क्या है, मीटर के हिसाब से आए, जो भी हो रहा मीटर से एक्स्ट्रा 30 रुपीज़ दिए बोले थे, 100 रुपीज़ में आ गए। देखो आप लोग, हाँ तो वो है विक्टोरिया मेमोरियल म्यूज़ियम है, अपन जाएंगे जाके देखेंगे वहाँ पर। ये बाहर जो भी है पूरा स्ट्रीट फूड है। ये गार्डन है, इसकी गार्डन की टिकट 20 रुपीज़ है, और वो म्यूज़ियम है, गार्डन एंड म्यूज़ियम की 30 रुपीज़ है। देख सकते हो आप लोग, माशाल्लाह क्या बेहतरीन गार्डन है, अच्छा सुकून है यहाँ पर, और बहुत बड़ा है पूरा, देखो वहाँ तक है पूरा। ज़्यादा बड़ा है ये म्यूज़ियम, को भी जाएंगे अपन, पहले पूरा एक्सप्लोर कर लेते जाएंगे आराम से। तो ये है विक्टोरिया मेमोरियल म्यूज़ियम, इसकी टिकट है 30 रुपीज़, और ये जो है 1901 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 1921 में बिल्ट हुआ, क्वीन विक्टोरिया के उस पर डेडिकेट है ये उनके नाम पे। तो अपन अंदर जाके देखेंगे पूरा क्या है कैसा है। तो देख सकते हैं आप लोग, देखो माशाल्लाह कितना बेहतरीन दिख रहा है, स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट 100 साल पुराना है, ये 100 साल के ऊपर हो गया, देखो आप लोग कितना खूबसूरत है। अंदर जाके देखेंगे अपन, अंदर से और भी खूबसूरत है ये। देखो माशाल्लाह क्या प्यारा दिख रहा है, जबरदस्त सारा व्यू है। वहाँ से जो गए अपन सामने से, वो एग्जिट है कहते, एंट्री यहाँ से फिर के जाना है, अपन पूरा वहाँ से फिर के जाके पूरा अंदर फिर के निकलेंगे। अब क्या है, 4 बज रहे यहाँ कोलकाता में, क्या है 5 बजे मगरिब हो जाती है यहाँ पर, ऑलमोस्ट अंधेरा हो जाता 5:30 को, तो यहाँ से सुबह भी जल्दी होती शाम भी जल्दी हो जाती, तो अपने पास 1 घंटा ही है, 1 घंटे में पूरा फिरना है, तो चलो जल्दी जल्दी कवर करेंगे पूरा अपन। ये देखो आप लोग माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिख रहा, पूरा मार्बल से बिल्ट है ये, 1901 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, तो 120 साल पुराना है ये, अभी तक भी इसकी खूबसूरती देखो आप लोग कितनी ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन दिख रहा बाहर से, तो कैमरे में कैसा दिख रहा नहीं मालूम, लेकिन रियल टाइम में तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा मेरे को, अंदर जाके देखेंगे और कितना खूबसूरत है मालूम होता। माशाल्लाह बहुत बड़ा है पार्क, ये गार्डन देखो आप लोग ख़त्म ही नहीं हो रहा पूरा, फिर वहाँ भी पानी है, देखो पूरा वहाँ पानी है, वहाँ पानी, टोटल 4 तरफ पानी है, पानी के स्पॉट्स है इसके, ये बीच में है। ये देख सकते आप लोग, जबरदस्त सिक्योरिटी के साथ छोड़ रहे अंदर, तो बेहतरीन सिक्योरिटी है अंदर आने के।
माशाल्लाह क्या बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है देखो इसका, देख सकते हैं अपना माशाल्लाह कितना जबरदस्त है कंस्ट्रक्शन। ये देखो तातिया टोप बोल के फर्स्ट वॉर जो इंडिपेंडेंस की हुई थी उसके वन ऑफ द हीरोज की है, फ्रीडम फाइटर की है ये जैकेट, ऑलमोस्ट 150 इयर्स के अबव हो गया, अभी तक भी इसको स्टोर करके रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पर उनके बाल है देखो, थोड़े सर के बाल है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लो आप लोग। और ये जो वेपन है ये वर्ल्ड वॉर वन में यूज हुई थी कहते, उसके डिटेल्स भी आप पढ़ ले सकते। देखो जैसा मॉडल में है रियल में वैसी ही एग्जैक्ट। पेंटिंग देखो माशाल्लाह जबरदस्त पेंटिंग है। ये न्यूज़पेपर्स है देखो, ये 1946 का है, ये भी 1946 1947 के न्यूज़पेपर्स है पूरे। ये जो है ना पूरे लेटर्स है, ये अपने फ्रीडम फाइटर्स के ज़माने के लोगों के जो भी है पूरे लेटर्स पूरे स्टोर करके रखे हैं लोग, देख सकते हैं पूरे डब्बों में वही है। ये देखो नेताजी का लेटर है, ये उनके हैंड राइटिंग में लिखे हुए लेटर है। देख सकते हैं आप पूरे रियल इमेजेस है, ये रियल इमेजेस की लोग फ्रेम बना के रख दिए यहाँ पर। देख सकते हैं आप लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रियल फोटो ही है ये, और ये भी एक हो गई देखो रियल फोटो ही है अपने फ्रीडम फाइटर्स की। ये भी एक लेटर है देखो, वो टाइम का लेटर है ये। ये देखो यहाँ पर पिक्चर चल रही कुछ पुराने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बोल रहे हैं इसमें। इसका कंस्ट्रक्शन देखो आप लोग माशाल्लाह कितना जबरदस्त दिख रहा। तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर भी है, अपन फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे जाके क्या है क्या नहीं है देखेंगे पूरा वहाँ पर। चलो यहाँ से फोटोस मार रहे थे वहाँ पूरे, माशाल्लाह क्या जबरदस्त व्यू है देखो। ये देखो फर्स्ट फ्लोर पूरा एसी का है, कंप्लीट एसी में है ये, बड़ा ठंडा है भाई यहाँ पर बाहर जब से बहुत गर्मी थी। पूरे इमेजेस है देखो, सुभाष चंद्र बोस का पॉइंट है जो इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहा, और सुभाष चंद्र बोस जो है नेताजी उन्होंने
इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करे, आर्मी को लीड करे, और उन्होंने जो है बंगाल के, इसलिए यहाँ पर ये म्यूजियम में पूरे उनके ही फोटोज हैं। यहाँ पर बंगाल को बहुत ज़्यादा मानते हैं उनको, तो उन्होंने भी अपने बहुत बड़े इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। असली आइटम तो यहाँ है जब से देख ही रहे अपन। ये देखो पूरे राइफल्स हैं यहाँ पर, पूरे फ्रीडम फाइटर्स के राइफल्स और गोलियाँ हैं। देखो ये देखो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये अपने इंडिया का फर्स्ट फ्लैग है, कहते वंदे मातरम लिखे हुआ इस पे। यहाँ देखो पूरी मूवी चल रही है, यहाँ पर पूरे फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी बता रहे हैं। यहाँ पर बहुत बेहतरीन म्यूजियम है ये, विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम कोलकाता में। इंफॉर्मेशन ज़बरदस्त मिल रही है यहाँ पर। ये देखो इंडिया का फ्लैग है, पहले ये था, उसके बाद फिर ये हुआ, उसके बाद फिर अपना प्रेजेंट फ्लैग। आज के ज़माने में अपन कहाँ फ्रीडम फाइटर्स की याद करते हुए अपन अपने लाइफ में बिजी हो गए। जो कोई भी कोलकाता में है और जो कोई भी कोलकाता आ रहे हैं, एक बार ये विक्टोरिया म्यूजियम विजिट करो आप लोग, विक्टोरिया मेमोरियल। यहाँ पर आए तो क्या अपने फ्रीडम फाइटर्स का सैक्रीफाइस याद आया था, बहुत बेहतरीन म्यूजियम है। तो यहाँ तक था आज का वीडियो, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और अच्छा नॉलेज है भाई ज़बरदस्त, शेयर करो सब में, सब्सक्राइब करो चैनल को, आगे अपन ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो थैंक यू सो मच गाइस।